अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरों के लिए पहले अपन आटा भिगा देंगे, उसके बाद में अपन उसका प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने इसमें नमक डाल लिया है और इसमें डालेंगे अपन तेल, एक डेढ़ पल्ले तेल डाल लेंगे इसमें। डाल के अच्छी तरह से ये भिगा लेंगे आटे को। भिगा लेके मैं यहाँ पे ये गेहूं का आटा ले ली है, आप चाहे तो मैदा भी ले सकते, मैदा और मैदे में रवा भी मिला सकते। अब मेरे पास तो फिलहाल नहीं है, मैं गेहूं का आटा लेके आज मैं बनाने वाली हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरों के लिए ये आटा पहले भिगा देंगे, ये भिगते रहता, अपन उसके बाद में उसका प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे मैंने दही डालना इसमें भूल गई थी, इसमें दही डालना है। और इसमें बनाएंगे अपन एक इनो की पैकेट ले लेंगे, या नहीं तो आप खाने का सोडा भी डाल सकते हैं इसमें। मैं यहाँ पे एक इनो की पैकेट डाल रही हूँ। इसको अपन अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। अब दही आप अपने हिसाब से, मैं यहाँ आटा ज़्यादा है तो मैंने ज़्यादा ही लिया दही, आप लोग चाहे तो आपके हिसाब से आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आटा भिगा लिया है, अब इसको अपन ढाक के रख देंगे जब तक अपन बनाएंगे छोले। छोलों के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे मसाला, यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर भुना हुआ है, ये भुन के मैंने पीस के रख लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, ये खड़ा मसाला है जिसमें है 3 इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े और 4 लौंग है, और ये है आमचूर पाउडर 1/2 चम्मच है, ये छोले मसाला है, ये छोले मसाले मैंने ले लिया है। अब चलिए आपको मैं बताती हूँ बनाने का तरीका। ये मैंने प्याज को ग्राइंड करके रख लिया है, ये 2 डल्ली मीडियम साइज के प्याज है, और यहाँ पे मैंने टमाटर भी ग्राइंड करके रख लिए हैं, ये भी दो बड़े हैं, ये बड़े अच्छे बड़े टमाटे हैं, ये बड़े साइज के टमाटे हैं। यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी ले ली है जिसको मैंने भून के रख लिया है, थोड़ा सा सोडा लिया है खाने का, मीठा सोडा। चलिए आपको मैं बताती हूँ बनाने का तरीका। अब इसमें खड़ा मसाला डाल देंगे अपन, तेल यहाँ पे चढ़ा ली हूँ मैं। इसमें डालेंगे अब अदरक लहसुन, यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन ले लिया है। अदरक लहसुन लाल कर लेके, अदरक लहसुन लाल कर लेंगे, उसके बाद में अपन डालेंगे इसमें प्याज। यहाँ अदरक लहसुन लाल हो गया है, अब मैं डालूंगी यहाँ पे प्याज। प्याज को अच्छा भुनना, पूरा पानी सूख जाना प्याज का जब तक भुनना पड़े। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम काबुली चना ले लिया है जिसको रात तमाम मैंने भिगा के रखा है, इसको भिगा लेना ज़रूरी है इसको रात में, नहीं तो ये गलने में देर होती। यहाँ पे प्याज लाल हो गई, देखिए आप अच्छी लाल हो गए हैं, गोल्डन कलर की हो गई। अब इसमें डालेंगे अपन टमाटे प्यूरी, ये 2 टमाटे हैं बड़े साइज के, इसको भी अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने यहाँ टमाटरों को अच्छा भून लिया है, अब इसमें डाल लेंगे अपन पूरे मसाले। मसालों को भी अच्छी तरह से थोड़ी देर भून लेंगे इसको। अब इसमें डालेंगे अपन ये चना, इसको ज़्यादा सीटी नहीं लगाना या ज़्यादा गल जाना उन्हें, इसको 1 सीटी या 1.5 सीटी में निकाल लेना। इसमें डालेंगे अपन ढंग से ज़रूरत पानी, पानी ज़्यादा नहीं डालना, फिर बाद में अपन डाल दे सकते, थोड़ा डालेंगे बस। चने ऐसा तो चने डूब गए जैसा डालेंगे अपन, एक या 1.5 सीटी में इसको निकाल लेंगे। चलिए अब इसको ढक्कन लगा देंगे। यहाँ पे हो गया है, मैंने अभी ढक्कन निकाला है, चम्मच डालेंगे अपन फिर से, अब इसको देखेंगे समा हो गया है। ये थोड़ी देर और पानी से डालेंगे इसको, पानी ज़्यादा हो गया,
थोड़ा सा पानी से, तो मैं गर्म पानी कर ली हूँ। ये गर्म पानी में अपन थोड़ी सी चाय के पत्ते डालेंगे, डिकॉशन बना के अपन इसमें छान के डाल देंगे। इससे क्या होता है, इससे कालापन आता, सही इसका कालापन इससे आता डिकॉशन से। इसमें डालेंगे अब अपन थोड़ी सी कोथमीर, कस्तूरी मेथी जो मैंने यहाँ मसल के रखी है। इसमें मैंने थोड़ा सा ये कुकिंग सोडा है, ये खाने का सोडा है, ये इसको डाल के अपन मिला देंगे। इससे हाजमा अच्छा होगा। चलिए देखिए अब अच्छा काला हो कलर का हो गया। अब इसमें अपन डिकॉशन डालेंगे और अच्छा कलर आ जाता है इसका। अब इसमें डालेंगे अपन थोड़ा सा डिकॉशन। अब इसको रख देंगे अपन थोड़ा सा दम पे। अब इसका बड़ा तैयार करती हूँ मैं। जब तक यहाँ पे मैंने तेल चढ़ा लिया है, अब इसको बघार लेंगे अपन। थोड़ा सा तेल डाली हूँ मैं। अब इसमें डालेंगे अपन बटर। इसमें डालेंगे बटर। इसमें डालेंगे हरी मिर्च और ये स्लाइस करी हुई अदरक। अब इसको अपन बघा लेंगे। ये हो गया है देखिए, छोले भटूरे बन के तैयार है। अब आप इसको भटूरे बना लेंगे इसके। इसको रख देंगे ढाक के। यहाँ पे आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे। मैं यहाँ पे गिरदा ले ली हूँ बेलन, इसको बेलने के लिए। अब इसको अच्छा मसल लेके अपन इसके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल लगा लेके अच्छा इसको मैंने बेल रहे हो। इसको आटा नहीं लगाना खुश्की, सिर्फ तेल से ही बेलना। आप चाहे तो आप बड़ी भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप बना ले सकते। पूरी कितनी बड़े साइज की बनाना है आप अपने हिसाब से बना ले सकते। मैं यहाँ पे मीडियम साइज की बना ले रही हूँ, मैं ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। आहिस्ता इसका छोड़ना आप इसको, मैं तो फिर तेल उछलता। आहिस्ता देख के करना। चलिए यहाँ पे देखिए अच्छा फूल गई पूरी। यहाँ पे छोले भटूरे बनके तैयार है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप YouTube पतिफा चैनल लेके कुछ सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे ये पूरी रेसिपी हासिल करिए। छोले भटूरे यहाँ पे मैंने बनाए हैं आज। इसमें क्या क्या डाला है, कैसा कैसा बनाया है, आप YouTube चैनल पर जाकर अतीफा चैनल एके को सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे पूरी रेसिपी हासिल कीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह। अज़्ज़ वजल, अल्लाह हाफिज़।